कि आप लोगों को भी जानना है कि हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल का यूज करके फिग्मा में कैसे स्क्रॉलिंग एनिमेशन करवा सकते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द यूआई चैंप। आज हम कुछ इस बारे में ही बात करने वाले हैं कि हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल के थ्रू एनिमेशन कैसे करवा सकते हैं, वो भी इजीली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग करके फाइल लेके रखा हुआ है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एक फ्रेम ले रहा हूँ जो कि मेरे डेस्कटॉप के साइज का होगा, राइट। एंड उस पर हम हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग अप्लाई करने वाले, ताकि जो भी हमारा एनिमेशन है वो फुल स्क्रीन में हम व्यू कर सके और कैसा दिखता है वो भी हम देख सके। सो यहाँ पे मैं फ्रेम को रीनेम कर देता हूँ और लेट सपोज कोई भी नेम दे देता हूँ, वेबसाइट पेज, वेब पेज, जो भी देना है वेब पेज दे देता हूँ अभी के लिए, राइट। और मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ मीट आवर टीम। सो हमारा एनिमेशन कैसे होगा, मीट आवर टीम के नीचे टेक्स्ट होंगे, सब टेक्स्ट, और उसके नीचे पिक्चर्स होंगे जो भी हमारे टीम मेंबर्स है, राइट। और उसको हम हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग करवाएंगे। सो उसके लिए मैं यहाँ पे इसकी साइजिंग 56 कर दे रहा हूँ और इसको बोल्ड कर दे रहा हूँ, और लाइन हाइट ऑटो, मतलब कि जो भी हमारा डिफॉल्ट होता है वो, राइट। तो उसकी मैं स्पेसिंग मैनेज कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे कोई भी मैं रैंडम टेक्स्ट लिख दे रहा हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखे थे वेबसाइट से, और सिंपली आपको वहाँ पे कॉपी पेस्ट से करना है जो भी टेक्स्ट आपको चाहिए। अभी के लिए मैं रैंडम टेक्स्ट ले रहा हूँ कोई भी, राइट। एंड गैप रख रहा हूँ 32 पिक्सल, तो उसकी ओपेसिटी मैं रखूँगा अराउंड 80-70%, ताकि थोड़ा विजुअल हायरार्की भी लगे कि जो टाइटल है वो थोड़ा बोल्ड एंड ब्लैक है और जो सब टेक्स्ट है वो थोड़े से लाइट है और रेगुलर भी है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग विजुअल हायरार्की हमारी क्रिएट होगी। एंड देन अभी जो हमारा मेन पार्ट आता है वो ये है कि फ्रेम्स क्रिएट करने हैं। कोई भी रैंडम साइज आप ले सकते हैं। अभी के लिए मैं एक रैंडम साइज क्लिक करके यहाँ से ड्यूप्लीकेट करते जा रहा हूँ फ्रेम्स, और उन सारों को सिलेक्ट करके मैं प्लगइन रन कर रहा हूँ जो कि है अनस्प्लैश। एज यू नो कि अनस्प्लैश हमें रैंडम पिक्चर्स डालने में हेल्पफुल होता है, राइट। तो अभी के लिए मैं पोर्ट्रेट्स डाल रहा हूँ जो कि हमारे टीम में हो सकते हैं, राइट। तो जो जो भी पर्सन्स होंगे उसके इमेजेस यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये सारे तो हमारे पिक्चर्स रेडी हो गए, तो अभी हमें क्या करना है, इन सारों को अगेन सिलेक्ट करना है और उसको अगेन फ्रेम में ला कर रखना है, मतलब कि एक सिंगल फ्रेम होना चाहिए, नॉट कि मल्टीपल फ्रेम्स, राइट। और इन सारों के बीच की स्पेसिंग आपको जो भी रखनी है वो रख सकते हैं। लेट सपोज अभी के लिए मैं 24 कर दे रहा हूँ और इन सभी की हाइट में इंक्रीज कर रहा हूँ जो भी इमेजेस है उन सब की, राइट। और यहाँ से मैं हाइट इंक्रीज कर दूंगा ताकि थोड़े पिक्चर्स पोर्ट्रेट लगे, और अभी के लिए मैं फ्रेम को फिट टू फ्रेम कर दे रहा हूँ और क्लिप कॉन्टेंट कर रहा हूँ, ताकि जितना भी कॉन्टेंट होगा उतनी ही हमारी फ्रेम बड़ी होगी, उससे ज़्यादा भी नहीं, उससे छोटी भी नहीं। सो यहाँ पे मेन पार्ट आता है कि आपको यदि हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग करवाना है तो जो हमारा बिटवीन फ्रेम, मतलब जो हमारा इमेजेस वाला फ्रेम है पूरा, वो हमारे वेब पेज के फ्रेम के साथ मैच होना चाहिए, उससे बड़ा या छोटा होगा तो वो वर्क नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसकी जो विड्थ है, मतलब फ्रेम की जो मेन फ्रेम है हमारा इमेज का, उसको मैं फिट टू स्क्रीन, मतलब जितनी भी हमारी वेब पेज की स्क्रीन है उतनी ही रखनी होगी, अदरवाइज हॉरिजॉन्टल स्क्रोल काम नहीं करेगा। तो अभी मेन इफेक्ट हम डाल देते हैं कोई भी, लेट सपोज मैं ओवल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे ऐसा, एंड उसको कलर वाइट कर दे रहा हूँ, एंड उसको इसके ऊपर मैं रख दे रहा हूँ ताकि जो भी हमारा एनिमेशन हो वो थोड़ा सा कूल लगे, राइट। तो उसके लिए मैं ऊपर और नीचे दोनों साइड से मैं स्क्रोलिंग के लिए थोड़ा सा विजुअल इफेक्ट देने की ट्राई कर रहा हूँ कि जो भी हमारा एनिमेशन हो वो अच्छा दिखे। तो अभी क्या करना है, सिंपली हमारा डिज़ाइन तो रेडी हो गया है, अभी जाना है प्रोटोटाइपिंग में। ये मेन फ्रेम सिलेक्ट करना है जो हमारा इमेजेस का है, प्रोटोटाइप में जाना है और स्क्रोलिंग की जगह पे हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग कर देना है, सिंपल। अभी इसको हम प्ले करके देखते हैं। वेब पेज सिलेक्ट किया और यहाँ पे प्ले किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो मतलब की डिज़ाइन थी वो यहाँ पे लोड हो गई है, और जैसे मैं यहाँ पे स्क्रोलिंग करना स्टार्ट करूँगा आप देख सकते हैं कि कैसा एक अच्छा सा विजुअल इफेक्ट आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड एंड राइट साइड से, राइट। कि जैसे राइट पे स्वाइप हो रहा है तो पूरा श्रिंक हो जा रहा है उसका हाइट, और अगेन उसका एक्सपांड हो जा रहा है। सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, एंड इफ यू रियली लाइक दिस कॉन्टेंट देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।